यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत कठिन है मुनिश्री आप साधना के शिखर पुरुष होने के साथ साथ अत्यंत सरल भी हैं कृपया हम गृहस्थों को सरल बनने के सरल उपाय बताने की कृपा करें खुश रहना बहुत सरल है पर सरल होना बहुत कठिन है आपने पूछा सरल बने रहने का सरल उपाय बताओ उपाय बताना बहुत सरल है अपनाना बड़ा कठिन <laughs> है ना? सरल होने के लिए कुछ नहीं है अपने ईगो को उठा के एक तरफ रख दो सरलता आ जाएगी मनुष्य के भीतर का अहंकार उसे कुटिल बनाता है क्योंकि अहंकार उसके अंदर एक काल्पनिक छवि करता है अहंकार से प्रेरित व्यक्ति अपने आप को वैसा मानना शुरू कर देता है जो वो नहीं वो अपनी भिन्न प्रस्तुति भिन्न अनुभूति करना शुरू कर देता है और उसकी सुरक्षा के लिए जो एक काल्पनिक है वास्तविक नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए उसे ढेर सारे खटकर्म करने पड़ते हैं अगर अपनी असलियत को प्रकट कर दो तो कुछ नहीं है और हमने कुछ भी अगर नकली पना निकाला तो उसका भेद खुलने की संभावना बनी रहती है उसको ढाकना पड़ता है है ना? तो उसको ढाकना पड़ता है तो जहाँ कृत्रिमता आती है वहाँ सहजता खत्म हो जाती है और जहाँ नैसर्गिक और प्राकृतिक स्वरूप होता है वहाँ कुछ नहीं करना होता है अपने असली स्वरूप को अपने वास्तविक स्वरूप को समय सामने सामने रखो अपने कृत्रिम या काल्पनिक छवि से अपने आप को बाहर रखें तो जो अहंकार अहंकार का केवल अर्थ ये नहीं कि अभिमानी होना अभिमान तो अहंकार की अभिव्यक्ति है अहंकार का मतलब मैं जो नहीं हूं उसके अलावा अपने आप को कुछ मान लेना मैं कुछ हूं ये अनुभूति ही ये अहंकार है और मैं कुछ हूं जो हूं उसको भूल गए मैं कुछ हूं और मैं और हूं के बीच में ये जो कुछ है ना ये अवास्तविक है ये काल्पनिक है और यही काल्पनिक जो टेम्परेरी है आज है रहे न रहे उसको मेंटेन करने के लिए जो हम समय शक्ति को लगाते हैं वो हमारी पूरी प्रगति को रोकता है और वहीं से हमारे जीवन का क्रम अवरुद्ध होता है तो जो अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है उसका श्रद्धानी होता है उसका अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए दूर होता है उसे अपने स्वभाव का बोध होता है और जिसके जीवन में स्वभाव की अभिरुचि प्रकट होती है उसकी प्रवृत्ति में सहजता और सरलता अपने आप आती है तो सरलता को पाना है तो अपने आप को जानो मैं असल में हूं कौन बाकी सारी दीवारें ढह जाएगी और रास्ता अपने आप प्रकट हो जाएगा